नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फूड मस्ती एंड स्टडी। दोस्तों, मार्केट से तो हम कोई भी मिठाई खरीद सकते हैं, लेकिन घर की मिठाई की तो बात ही कुछ है, क्योंकि उससे जुड़ा होता है हमारा अटैचमेंट और हमारा प्यार। और अगर वो बनती है परफेक्ट तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए आज बनाते हैं प्यार भरी मिठाई कलाकंद। इसके लिए हमने सबसे पहले फुल क्रीम काऊ का मिल्क लिया है 1 लीटर और उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम 1 बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम 1 टेबल स्पून इसमें विनेगर मिलाएंगे और इसमें हम 50 ग्राम यानी 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे और इसको लगातार चलाते हुए बॉयल होने देंगे। विनेगर हमने थोड़ा ही ऐड किया है ताकि दूध पूरा ना फटे और उसमें दाना बन जाए। अब इसको हमें एकदम सिम फ्लेम पर बॉयल करना है ताकि ये तली में जल ना जाए बर्तन की। अगर आप फ्लेम को एकदम सिम रखेंगे तो इसको लगातार नहीं चलाना पड़ेगा आपको, लेकिन इसको गैस पर रखकर भूलना नहीं है और बीच बीच में चलाते रहना है। और यही कलाकंद बनाने की कला है, बस आपको इतनी इसी कला पर ध्यान देना है। अब इसमें हम अपना 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। देखिए, जितना हमने दूध बॉयल होने के लिए रखा था ये लगभग उससे 1/4 रह गया है। अब हम इसे मैशर से मैश करेंगे ताकि कलाकंद का दाना थोड़ा बारीक बन जाए और फिर से इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब इसको आपको छोड़ना नहीं है और लगातार चलाना है। देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो गई है और इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है, अलग हो गया है कढ़ाई से। अब हम इसको एक ग्रीस प्लेट में सेट होने के लिए निकाल लेंगे। अब इसको हमें गरम गरम ही अच्छे से फ्लैटन कर लेना है ताकि बर्तन में अच्छे से सेट हो जाए और इसके बाद हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उससे हमें इसे गार्निश कर लेनी है। मेरे पास काजू और पिस्ता थे तो मैंने उसी से इसकी गार्निश करी है। जितना आप गरम गरम इसको सेट कर लेंगे उतनी ही आपको आसानी होगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये आपको दिक्कत करेगा सेट होने में। अब इसको हमें रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख देना है और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए कितना स्मूथली हम इसको कट कर पा रहे हैं। आप जैसी चाहे इसको शेप दीजिएगा, जो आपको पसंद हो। देखिए, हमारा कलाकंद बनकर रेडी है और ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी है। देखिए, हमारा कलाकंद कितने अच्छे से सेट हुआ है, एकदम बर्फी की शेप आई है इसकी। हम इसे किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। देखिए, जो आप इसके अंदर दाने देख रहे हैं ना कलाकंद के अंदर, यही इस कलाकंद की स्पेशलिटी है और कलाकंद इसी के लिए जाना जाता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।